hello everyone i'm your teacher for this question let me explain this question to you question says that a plant with two small genes breeds with a plant with two tall genes to produce option a small plants and tall plants in the ratio 1 is to 3 option b all small plants option c all tall plants option d tall plants and small plants in the ratio 3 is to 1 okay यहाँ पे जो क्वेश्चन है इट इज एन एम टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे हमें जो गिवन है वो क्या है कि अ प्लांट विथ टू स्मॉल जीन्स यानी कि जो प्लांट है जिसके पास स्मॉल जीन्स हैं उसकी जो हाइट है प्लांट की वो शॉर्ट है ओके okay? और उसने बता दिया है कि हैज टू स्मॉल जीन्स यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि जो पेरेंट है यहाँ पे दैट इज वन इज़ हैविंग टू स्मॉल जीन्स ओके crossed विद टू टॉल jeans, ओके तो अब जब हम प्लांट हाइट की बात करते हैं तो जो टॉलनेस वाली जीन होती है उसे हम हमेशा डिनोट करते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी से और जो हमारी डॉर्फनेस यानी कि जो स्मॉल वाली जीन होती है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी से ओके okay? अब जो गैमीस बनेंगे वो क्या बनेंगे इस विल बी स्मॉल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी कैपिटल टी राइट अब जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो क्या बनेंगे अब या तो ये क्या स्मॉल टी पेयर करेगा इस कैपिटल टी के साथ या इस कैपिटल टी के साथ वैसे ही ये स्मॉल टी पेयर करेगा इस कैपिटल टी के साथ या इस कैपिटल टी के साथ अगर हम देखें कि ये चाहे इसके साथ पेयर करे चाहे इसके साथ तो प्रोजेनी क्या बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी ओके सो ऑल फोर ऑफ स्प्रिंग्स आर टॉल ओके okay. और फोर ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल क्यों क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जीनोटाइप है ये क्या है दिस जीनोटाइप इज हिटरोगस और हिटरोजाइगस का मतलब है कि एक एलील जो है वो क्या है डोमिनेंट प्रेजेंट है और जो दूसरी एलील है वो उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड की प्रेजेंट है राइट right? तो क्या है ये कैपिटल टी और स्मॉल टी तो जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है ओवर दिस स्मोल्टी तो क्या होगा सारे जो प्लान्स होंगे विल हैव द्लान्स जितने भी टॉल जितने भी सॉरी प्लान्स प्रोड्यूस होंगे वो क्या होंगे द ऑल विल बी लाइक टॉल प्लान्स ओके तो अब हमारे जो ऑप्शन हैं वो क्या हैं स्मॉल प्लान एंड टॉल प्लान इन द रेशो वन एज टू थ्री ये हमारा गलत हो जाएगा कैसे क्योंकि स्मॉल प्लांट्स प्रोड्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए प्रोजेनी का जो जीनोटाइप होना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल टी स्मॉल टी लेकिन यहाँ पे हमारा एक भी स्मॉल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है सो इट विल बी रिजेक्टेड ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज देर इज नो स्मॉल प्लांट प्रोड्यूसिंग इन दिस जनरेशन ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ओके विल सी वाई ऑप्शन डी इज रिजेक्टेड टॉल प्लाट्स एंड स्मॉल प्लांट्स अगैन इन द रेशियो ऑफ थ्रीज टू वन बट ओवर हेयर जितने भी प्लांट आए हैं वो क्या आए हैं हमारे हिटरोजाइगस टॉल ओके देर आर नो स्मॉल प्लान इन हेयर और ये जो रेशो है ये कब आएगा जब हम एफ टू जनरेशन की प्रोजैनी निकालेंगे और एफ टू में क्या होगा वेन वी क्रॉस द स्पेरेंट विद द सेम जीनो टाइप ओके okay? जब इस पेरेंट को क्रॉस कराया जाएगा इसी के जीनोटाइप के किसी दूसरे पेरेंट से तब क्या होगा तब आएंगे हमारे पास टॉल और स्मॉल प्लांट्स देर विल बी थ्री टॉल एंड वन स्मॉल प्लांट बट ओवर हेयर ऑल फोर ऑफ स्प्रिंग्स आर टॉल ओके तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी दैट इज ऑल टॉल प्लांट्स ओके So that's it for this question. I hope you understood the explanation. Thank you.